बागेश्वर और पंडोखर सरकार से भी चमत्कारी रामलला सरकार। पहली बार देख रहे हैं, ऋषभ भी हमको जानते हैं, आप भी हमसे एक बार मिल चुके हैं जी। बाकी मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई मुझे जानता है, मुझे नहीं लगता। ठीक है, बिल्कुल। पंजाब केसरी के कैमरे के सामने ही पर्ची लिखकर दिखाया चमत्कार। लेकिन अभी दूसरा विषय ये है कि लोग सवाल बहुत उठाते हैं। कोई कहता है हाथ की सफाई है, कोई कहता है माइंड रीडिंग, कोई कहता है फेस रीडिंग। ये शक्ति कहाँ से मिलती है? ये लोगों के अंदर मन की बात जानना बहुत बड़ी बात होती है। आपको शक्ति कहाँ से मिली? कहाँ से मिली ये शक्ति? कैसे कर लेते हैं ये चमत्कार? कंप्यूटर बनी जाओगे बागेश्वर के पंडोखर के जी, क्या इस मंच से उनके लिए अब चूंकि कंप्यूटर बन जाओगे तो जाहिर सी बात है कि आपस में किसी तरह का इंटरेक्शन भी होना चाहिए। तो क्या अब चूंकि अभी आप कह रहे हैं कि आपकी जो सिद्धि है वो उनसे थोड़ी अलग है जी, तो अभी आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कोई चैलेंज आप भी उनको देना चाहेंगे जैसे प्रकाश टाडा ने दिया था? रामलला सरकार ने दिया हर सवाल का खुलकर जवाब। जो साईं महाराज, क्योंकि उस समय लोगों ने भगवान का दर्जा दे दिया उनको, उन्होंने भी ऐसे ही चमत्कार दिखाए थे, लोगों को बता देते थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। और मेरा पहला इंटरेक्शन है किसी एक ऐसे महाराज जी के साथ में जो लोगों की मन की बात बता देते हैं, उनको समझ जाते हैं। तो हम यहाँ पर यही जानना चाहेंगे कि क्या पहले ऐसे चमत्कारिक बाबा कलयुग के साईं महाराज ही थे, साईं बाबा ही थे? लगाने से राष्ट्र का कल्याण होने वाला नहीं है जी। राष्ट्र का कल्याण होने वाला तब है, जैसे कि अभी एक सज्जन व्यक्ति प्रकाश टाटा करके हैं, वो चुनौती दिए थे कि अगर ये विद्या है, ये साधना है और इस साधना के पुजारी साधक हैं, तो वो ये बताएं कि कैंसर की बीमारी की दवा कहाँ छुपी हुई है, कहाँ है। देखिए सबसे चमत्कारी बाबा का सनसनीखेज इंटरव्यू। आप तो किसी को दोगे नहीं? नहीं है ना जी। एक कैमरा के सामने मैं आपको दे रहा हूँ जी, इसको आप रख लीजिए। ना ही आपसे मैं अब ले सकता जी, ना आप पेन लेके मैं कुछ लिख सकता, ले लीजिए। ठीक है ना? और मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे दोगे भी नहीं लिखने के लिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ बात आती है सत्य की जी, है ना। हम आपकी निष्ठा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम आपकी चमत्कार पर सवाल लेंगे, लेकिन दर्शकों को बताने। देखिए, निष्ठा पे सवाल इसलिए भी नहीं उठ सकता क्योंकि सनातन जो धर्म है जी, वो समुद्र के भांति है जी। और समुद्र की अगाधता के बारे में सारा विश्व जानता है, पूरा विश्व जानता है, और अनादिकाल से विद्या जीवित है जी। यही विद्या स्वामी सामर्थ गजानन महाराज, एक नाथ तुकाराम और एक एक से महायोगी साईं बाबा के पास भी ये विद्या थी। वो भी चलते चलते कहीं किसी मोड़ में किसी का नाम बोल देते थे, तुम्हारे घर में भोजन बनाए मुझे दिए नहीं, ऐसा क्यों किए, वो ये सब कहते थे। प्रायः मैं भी ऐसा कहता हूँ। तो जो आज की तारीख में हम देख रहे हैं, बागेश्वर महाराज को देख रहे हैं, पंडोखर सरकार को देख रहे हैं, तो क्या साईं बाबा से ही लाइन चली चली आ रही है? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। सबके लिए मैं नहीं बोल सकता। हाँ। हम उसको बोल सकते हैं जो कैमरा के सामने लिखने की क्षमता रखे जी। कैमरा के सामने, मीडिया के सामने कुछ अगर लिख सकता है, किसी को बता सकता है जी, वो सत्य है। बाकी तो बहुत सारे लोग इधर उधर कर रहे हैं, बहुत मैजिशियन है। खैर, ये मैं दे दिया हूँ लिख के। और मैंने क्या लिखा ये सब राम जी जानते हैं, माँ कामाक्षा जानती है, लेकिन हाँ, जो मैं लिखा हूँ वो पूर्णतः सत्य लिखा है। जिसके बारे में लिखा है वो भी सत्य है। इसको बताया जाएगा, ओपन किया जाएगा, जैसे मैं नाम बोलूँगा और या तो उनके बारे में मैं कुछ चर्चा करूँगा, वो आप स्वयं दिखाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि मुझे जो जानता है, आप मुझसे एक बार मिल चुके हैं, आप हमारे शिष्य हैं और ऋषभ जी हैं, वो हमको जानते, बाकी हमको कोई नहीं जानता। जो हमारे लोग हैं हम इनके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि इनके बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं। हम उनके बारे में लिखे हैं जिनके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते, ना वो कल्पना कर सकते हैं कि मेरे बारे में लिख चुके हैं। ठीक है, ये बहुत जल्दी बताया जाएगा। और हो सकता है यहाँ जितने लोग हैं उन सब के बारे में भी मैं कुछ बता सकता हूँ। अभी आगे का कार्य आप कर लें। ये आपके पास है जी, ये आपके पास है, इसको भी जेब में आप डाल के रखिए। जब आपसे ओपन करवाया जाएगा, उनका नाम बोला जाएगा, तो आप दिखाएंगे, उनसे कुछ बात हम करेंगे। इसके बाद आप भी पूछिएगा कि बात सत्य है कि नहीं,
और जब सत्य होगी तो आप दिखाइएगा। तो हमारे सभी साथी अभी कुछ समय रुकिए यहाँ पर, हम कुछ एक इंटरव्यू महाराज जी का इंटरव्यू लेके आते हैं कुछ समय में, बाद में आके पर्चे पर बात की जाएगी। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत आपने ऐसी कर दी कि लोगों को वैसे ही बांध के रखेगी। हाँ, ये सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है, तो इसलिए मैं लिखा हूँ और आपके पास मैं दे दिया। हाँ, आप इसको रखिए जी। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ हेमंत चतुर्वेदी। आज का इंटरव्यू बड़ा चमत्कारिक होने वाला है, झलक आप पहले ही देख चुके हैं। और चूंकि चमत्कार करने के, इस चमत्कारिक इंटरव्यू करने का एक खास उद्देश्य ये भी है क्योंकि हिंदुस्तान को चमत्कारों का देश कहा जाता है और हिंदुस्तान ने अपनी ये ख्याति ऐसे ही नहीं बनाई, बल्कि समय समय पर कुछ ऐसे चमत्कारिक लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने एक समय पर पूरी दुनिया को चौंका दिया। तो अपने चमत्कारों से अब तक कई लोगों को चौंका चुके और कई बड़े ऐसे काम कर चुके जिनके बारे में शायद लोग यकीन भी नहीं कर पाए। ऐसे ही रामलाला जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जय श्री राम। तो रामलाला जी सरकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत अभी हमारे इंटरव्यू की आपने देखा था, घाट पर उन्होंने अपने जो अनजान कई लोग थे उन्होंने किसी के बारे में कागज से कुछ लिखा है, कागज पर कुछ लिखा था, कहा इंटरव्यू के बाद इस कागज में जो कुछ लिखा उसको पढ़ेंगे। निश्चित तौर पर अगर वो कुछ ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आता है तो वह अपने आप में शायद आप लोगों के लिए भी आप लोगों के लिए भी काफ़ी खास होगा। और ये चमत्कार होते कैसे हैं, मौजूदा समय में जिस तरह लगातार चमत्कारों की एक के बाद एक चमत्कारी बाबा सामने आते चले जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, इनको सोर्स क्या है, ये चमत्कार कैसे करते हैं, इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। शुरुआत यहाँ पर हम साईं महाराज से करना चाहेंगे जी। जो साईं महाराज, चूंकि उस समय लोगों ने भगवान का दर्जा दे दिया उनको, उन्होंने भी ऐसे ही चमत्कार दिखाए थे, लोगों को बता देते थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। और मेरा पहला इंटरेक्शन है किसी एक ऐसे महाराज जी के साथ में जो लोगों की मन की बात बता देते हैं, उनको समझ जाते हैं। तो हम यहाँ पर यही जानना चाहेंगे कि क्या पहले ऐसे चमत्कारिक बाबा कलयुग के साईं महाराज ही थे, साईं बाबा ही थे? सर्वप्रथम भारत माता के सुपुत्रों को मेरा कोट कोट वंदन प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम लला सरकार जी। और आपको कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। आपका प्रश्न बहुत प्यारा है और विश्व के कल्याण के लिए यह प्रश्न है। सत्य बात तो यही है कि जागृत भूमि अदृश्य शक्तियों से भरी हुई है। साईं बाबा निसंदेह हैं, बहुत ही प्रभावशाली योगी हुए हैं। वो साधारण संत नहीं, उनको महायोगी कहा जाएगा। और उनके सानिध्य में अदृश्य शक्तियां थीं जो कि वो समय समय पे सनातन धर्म के विशाल स्वरूप को दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन शक्तियां जन कल्याण के लिए है और पूरे विश्व का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, उसके लिए है, ना कि हर एक जगह उसको दिखाए और उसका प्रदर्शन करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साईं बाबा महान योगी हुए, लेकिन वो शक्तियाँ अभी भी मौजूद हैं और अदृश्य रूप में है, लेकिन साधक के लिए अदृश्य रूप में वो नहीं है, जागृत रूप में है, ये भी सत्य बात है जी। उद्देश्य क्या है साईं बाबा का तो आपने बता दिया, लेकिन अब चूंकि वो चीज़ आपके पास भी है, हमने देखा है लगातार अमूमन बहुत सारे लोग हैं जो आपकी वीडियोस देखते हैं, आप लोग आपके सामने आते हैं, पर्ची पर लिखकर उनका भविष्य बता देते हैं। इस समय मध्य प्रदेश में आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, बागेश्वर महाराज भी इस फेमस हैं इन पर्ची पर लिखकर बताने के लिए, पंडोहर सरकार भी फेमस है और रामलाला सरकार, ये तीसरे सरकार यहाँ पर एंट्री ले रही हैं। तो उन लोगों से बात होगी जब आप उनसे बात होगी, लेकिन फिलहाल तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या उद्देश्य है इस शक्तियाँ जो जागृत करने के पीछे और जो चमत्कार दिखाने के पीछे। देखिए, अदृश्य शक्ति का रहना राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है जी। इस विद्या से पूरे विश्व को सचेत किया जा सकता है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों काल की बातें बताई जा सकती है। लेकिन सत्य बात यही है कि अगर उत्थान हो, कल्याण हो और इस विद्या से पूरे विश्व का कल्याण होने वाला हो, तभी इस विद्या का सदुपयोग करना चाहिए, इसके अलावा नहीं करना चाहिए। बाकी जो आप नाम ले रहे हैं, अभी तो हमारा कोई विशेष परिचय नहीं है और हम विशेष किसी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो नेत्र के सामने करते हैं और मीडिया के सामने बताने की सामर्थ्य रखते हैं, कैमरा के सामने लिखने की सामर्थ्य रखते हैं, उनके पास विद्या है। अगर कैमरा से दूर भागते हैं, मीडिया से दूर भागते हैं और चुनौती को स्वीकार करने की क्षमता नहीं रखते हैं, उनके पास जागृत विद्या नहीं है। हम आगे और बात करेंगे। आने शायद ऐसा लग रहा है कि
नो डाउट अगर आप ऐसे ही आपका प्रसार होता रहा तो लोग आपको कॉम्पिटिटर मानने लगेंगे जी। तो जाहिर है उनके बारे में तो हमें बात करनी ही पड़ेगी, लेकिन अभी दूसरा विषय ये है कि लोग सवाल बहुत उठाते हैं। कोई कहता है हाथ की सफाई है, कोई कहता है माइंड रीडिंग, कोई कहता है फेस रीडिंग, इस शक्ति कहाँ से मिलती है? ये लोगों के अंदर मन की बात जानना बहुत बड़ी बात होती है, आपको शक्ति कहाँ से मिली? खुल के देखिए, सत्य बात तो यही है कि साधक जो है साधक अपने मन को एकाग्र कर लेता है, और जब मन को एकाग्र कर लेता है तो जागृत जो अवस्था है उसकी जागृतमय अवस्था प्राप्त हो जाती है, और जब पूर्ण रूप से जागृति आ जाती है तो वह व्यक्ति कुछ भी करने में सामर्थ हो जाता है। लेकिन वो परम साधक के लिए, जैसे कि स्वामी देराव बाबा हुए और स्वामी आपके करपात्री महाराज हुए और नीम करौली वाले बाबा हुए, ये सब जागृत अवस्था में थे। जागृति जब हो जाती है, हर एक मानव एक कार्य कर सकता है, लेकिन उसके लिए मन की जागृति होना अत्यंत आवश्यक है, मन का एकाग्र होना अत्यंत आवश्यक है। अगर मन एकाग्र हुआ तो कुछ भी कर सकता है। और इस विद्या का जागृत अवस्था तभी दिखाई देता है जब पूर्ण रूप से वो साधक भगवान श्री राम जी के शरणोदक लेता है, चरण रज लेता है, माँ कामाक्षा के चरण रज लेता है, शरणोदक लेता है, तभी वो अवस्था दिखाई देती है। हम लोग इसी साधना से इस विद्या को पाए हैं, और सत्य बात तो यही है कि इसकी साधना विशेष रूप से की जाती है, सबको करना चाहिए, लेकिन राष्ट्रहित हो, विश्वहित हो, ऐसा कार्य करना चाहिए जी। अगर आने वाले दिनों में जो आज की तारीख में जो कुछ बाबा हैं, अगर उस लेवल पर आपको फेम मिलती है तो आपका जो अगला स्टेप रहेगा वो क्या है? कि बड़े बड़े पंडाल लगा के आप भी प्रचार करेंगे या कुछ और विशेष काम जो आपकी बुक में लिखी हुई है, एजेंडा बुक होगी? देखिए, पंडाल लगाना कोई विशेष बात नहीं है। पंडाल लगाने से राष्ट्र का कल्याण होने वाला नहीं है जी। राष्ट्र का कल्याण होने वाला तब है, जैसे कि अभी एक सज्जन व्यक्ति प्रकाश टाटा करके हैं, वो चुनौती दिए थे कि अगर ये विद्या है, ये साधना है, और इस साधना के पुजारी साधक हैं, तो वो ये बताएं कि कैंसर की बीमारी की दवा कहाँ छुपी हुई है, कहाँ है, और नाना प्रकार की जो अद्भुत शक्तियाँ मैं औषधियाँ हैं उनके बारे में बताएं, तो हम उनको 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे। बिल्कुल, देखिए मेरा कहने का तथ्य तात्पर्य है, प्रकाश जी को मैं एक बार कह चुका हूँ, दोबारा आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि हम सब बता सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन प्रकाश टाटा जी उस औषधि का सदुपयोग कर पाएंगे ये मैं नहीं कह सकता। बात प्रकाश टाटा जी तक पहुँचा सकता हूँ? देखिए, वो हमको जानते हैं और हमारे प्रिय शिष्य हैं जी। और मैं शिष्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सनातन पुत्र हैं और बड़े धार्मिक हैं, बहुत अच्छे हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि उनका कथन झूठा भी नहीं है, सत्य बात है। अगर ये विद्या है, सार्थक विद्या है, साधना में विद्या है, तो इसका सदुपयोग करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। मुझे कभी अवसर मिला तो राष्ट्र हित के लिए मैं ऐसा कार्य जरूर करूँगा, और प्रत्यक्ष वो प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मैं उनको करके भी दिखाऊंगा जी। मैंने आपसे कहा जब आप इन चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं जी, तो आप चाहो या ना चाहो, मैं चाहूं या ना चाहूं, आप कॉम्पिटिटर बन ही जाओगे उन बागेश्वर के पंडो खर के जी। क्या इस मंच से उनके लिए अब चूंकि कॉम्पिटिटर बन जाओगे तो जाहिर सी बात है कि आपस में किसी तरह का इंटरेक्शन भी होना चाहिए, तो क्या? और चूंकि अभी आप कह रहे हैं कि आपकी जो सिद्धि है वो उनसे थोड़ी अलग है जी, तो अभी आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कोई चैलेंज आप भी उनको देना चाहेंगे जैसे प्रकाश टाडा ने दिया था? देखिए, जो सनातन धर्म का अनुयायी है, सनातन धर्म को जो लेके चलने वाले हैं, वो सब हमारे अंग ही हैं, हमारे अपने हैं, उनको चैलेंज चुनौती हम नहीं देंगे जी। वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमारे ही अंश हैं, हमारे ही अंग हैं, हमारे अपने हैं, लेकिन बात आएगी सनातन धर्म के विरोधियों की बात जी। जो सनातन धर्म का खंडन करते हैं जी, सनातन धर्म का जो खंडन करते हैं, सनातन धर्म को जो चुनौती देते हैं, उनके लिए सर्वप्रथम रामलला सरकार का हाथ दिखाई देगा जी। हाँ, हम उस विषय में ही हम अगला जो हमारा स्टेप था वही था, मतलब पहला एक यहाँ पे क्लियर कर दूं, मतलब आप खुश तो हैं बागेश्वर और पंडोकर सरकार से, सनातन का प्रसार तो कर रहे हैं? देखिए, सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कई तरीके से हो सकता है, कुछ श्रीमद भागवत श्री राम कथा कह के प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और कुछ इस विद्या के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन ये विद्या प्रमाणित विद्या है। अगर कभी अवसर मिले, कोई ललकारे या चुनौती दे, तो इसको प्रमाण देने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो अगर अगर प्रमाण देने की क्षमता है तो ये विद्या जागृत में है, प्रमाण देने की क्षमता नहीं है तो विद्या जागृत में नहीं है। मैं तो सभी से यही कहूंगा, जितने साधक हैं, जो साधना रत हैं, कि पहले
साधना करो, साधना पूर्ण करो, इसके बाद विश्व के कल्याण के लिए इस विद्या को लेके निकलो जी। तो शायद यही शिकायत इनको है कि साधना करो तो पूरी करो और नहीं तो नहीं करो। और बागेश्वर सरकार शायद एक दो बार उनको चैलेंज मिले थे और उन्होंने वो जगह छोड़ दी थी, शायद वही एक कारण है कि आप उनसे नाराज हैं। नहीं नाराज हम नहीं, नाराज मतलब किसी और तरीके से जाहिर कर रहे हैं जी। अभी दूसरा सवाल यहाँ पर हम उसके बारे में आगे चर्चा करने वाले थे, एक शब्द का उपयोग किया धर्मियों का आपने कि सनातन का खिलाफत करने मुखालफत करने वाले बहुत सारे लोग हैं जी, और कहते हैं कि जितने सनातन के बाहर के नहीं है उतने खुद सनातनी ही हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं सुना भी था लोगों के जरिए कि आपकी मुख्य तौर पर आपके अगर कोई टारगेट पर है तो ऐसे ही लोग हैं जी। तो क्या कुछ प्लानिंग करके रखी है आपने उनके लिए? देखिए, भारत माता के गोदी में जो भी खेल रहा है जी, वो भारत माता की संतान है, भारत माता के अंग हैं, भारत माता के चरणों के रज हैं। हमें किसी से शिकायत नहीं है, हमें शिकायत उनसे है, उनसे है जो सनातन धर्म को जानते हुए भी सनातन धर्म को कलंकित लेने का संकल्प ले लिए हैं और अनादिकाल से राक्षसों का बोलबाला रहा है, अभी भी है और शायद रहेगा। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि भारत माता के गोदी में खेल रहे हो तो भारत माता के गोदी को कलंकित करने के लिए संकल्प ना लो, क्योंकि तुम लोग दीपक हो, छोटे से दीपक हो, और सनातन धर्म, सनातन धर्म के सुपुत्र, सनातन धर्म के अनुयायी सूर्य हैं। तो सूर्य को चुनौती दीपक नहीं दे सकता। हम लोग भगवान श्री राम जी के शरणों का रज लेके और पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए निकल पड़े हैं और आवश्यकता पड़ी तो उनको अवश्य जवाब देंगे और अच्छे तरीके से देंगे। हाँ, हमारा जो स्वयं का मत है, मत ऐसा भी है कि हम किसी के हृदय को विदीर्ण नहीं करेंगे, किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन सरलता से, लघुता से, नम्रता विनम्रता से, सहजता से उनको जरूर अपना पक्ष रखते हुए मनाएंगे और मनाने के साथ समझाएंगे, समझाने के साथ साथ उनको कुछ दिखाएंगे, और जब नहीं मानेंगे तो जो परम सत्ता है, परम शक्ति है, उसका अनुकरण अनुसरण भी करवाएंगे जी। भोपाल के तालाब में एक बहुत अनोखा इंटरव्यू और बहुत छोटी छोटी बारिश की बूंदें इस दिन हम लोगों का जो अनुभव है उसको और सुखद बनाने का काम कर रही हैं, चर्चा को आगे करती हैं जी। देश के बाहर भी आप सनातन के प्रसार के लिए कुछ खास काम करने जा रहे हैं जी, बारे में बताइए। हाँ, अवसर मिला है और कनाडा सरकार की तरफ से भी अवसर मिलने वाला है। अभी तो मिल ही गया है लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा जी। और अमेरिका में भी निमंत्रण है और इंग्लैंड में कुछ हमारे शिष्य रहते हैं वहाँ से भी निमंत्रण है, लेकिन देखिए रामलला सरकार के चरणों का रज रहा तो अवश्य जाएंगे। और मेरी इच्छा भी है मानवता को लेके 151 देश में हम भ्रमण करेंगे, लेकिन हमारा संदेश सिर्फ मानवता को लेके रहेगा। अगर मानव मानव बन जाए, मानव मानवता को धारण कर ले तो ईश्वर कहीं दूर नहीं, ईश्वर तो हम सबके पास है और इसी मानवता को लेके हम पूरे विश्व का भ्रमण करना चाहते हैं। लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि मानव अपने असल स्वरूप को पहचान ले, अपने मूलतः स्वरूप को पहचान ले। अगर वो पहचान लेगा तो परमात्मा कहीं दूर नहीं है। फिर भेदभाव, फिर ये लड़ाई झगड़ा, फिर तेरा मेरा, फिर दुनिया भर के जो अन्य धर्मों की बात होती है, अपने धर्मों की बात होती है, वो मिट जाएगा, सब सहज हो जाएंगे, एक हो जाएंगे और राम राज की स्थापना हो जाएगी। विश्व में राम राज की स्थापना कायम करने के उद्देश्य से सनातन का ये ध्वजावाहक चला है। मंजिल तो आपने बता दी, शुरुआत कहाँ से हुई थी इस ध्वजावाहक की? मेरे जीवन का लक्ष्य श्री रामलला सरकार के चरणों की कृपा से लगभग आज से 10 साल पहले हुई, और राम जी के चरणों की कृपा से ये प्रेरणा मिली कि तुम्हारा जो जीवन है वो राष्ट्रहित के लिए है, विश्व के कल्याण के लिए है, और आगे बढ़ो क्योंकि यह क्षणभंगुरा जीवन है, इसको साधने के लिए योगी, तपस्वी, ध्यानी ये सब लगे हुए हैं, कर रहे हैं, लेकिन तुमको जो समय मिला है ये सत्यता सार्थक मय समय है, इसको और सार्थक बनाओ, लेकिन ये तभी बन पाएगा जब विश्व के कल्याण के लिए संकल्प लोगे। मैं उसी समय से लिया। जन्म परिवार के बारे में बताइए, जैसे कि जन्म कहाँ हुआ, परिवार कैसा? अच्छा अच्छा, मेरा जन्म मुख्यतः अयोध्या का ही है और मेरे कुटुंब वाले मध्य प्रदेश में भी आए और मेरे परिवार के मध्य प्रदेश में हैं, और ठाकुर जी के चरणों के कृपा से अयोध्या में हमारा लगभग 7 पीढ़ी निवास किया, राजघराने से जुड़ा रहा और वहाँ से आके यहाँ भी शरणागति मिली, और इसके बाद हमारे कुछ पूर्वज लोग राजस्थान में भी गए, उत्तर प्रदेश में गए,
लेकिन मूलतः अयोध्या नगरी और रामलला सरकार के चरणों का रज वहीं से हमको प्राप्त हुआ और उन्हीं का चरणोदक लेके चरण रज लेके हम अपने जीवन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे जीवन का लक्ष्य है सनातन धर्म की रक्षा, सनातन धर्म के उन्नति, सनातन धर्म की प्रगति। जी कहते हैं कि एक ठोर का ठाकुर बनना बहुत जरूरी होता है, बहुत देसी कहावत है। बागेश्वर सरकार ने बागेश्वर धाम पकड़ लिया, पंडोखर सरकार ने पंडोखर धाम पकड़ लिया। अभी रामलला सरकार के बारे में लोग बहुत जानते हैं, समझते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमको एक जगह चाहिए जहां समय समय पर जाकर हम उनसे मिल सकें। जी तो इसकी क्या कुछ प्लानिंग चल रही है, कहां स्थापित होने वाले हैं? जी हमें छत्तीसगढ़ सरकार कुछ जमीन देने के लिए बोले हैं। हाँ और शायद ईश्वर के चरणों की कृपा से शीघ्र वो कार्य हो जाए। हाँ। मान कुंभला शक्तिपीठ श्री रामलला सरकार जी इस नाम से रहेगा और भव्य एक मान कुंभला शक्तिपीठ का निर्माण मैं करना चाहता हूँ। उसी में विद्यालय का भी निर्माण होगा, एक हॉस्पिटल भी बनेगा। तो छत्तीसगढ़ में रहने की पूर्णता हमारी इच्छा है और छत्तीसगढ़ की भूमि से ही पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए हमारा मार्ग खुलेगा जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रामलला सरकार कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ही रहो जी। जी तो छत्तीसगढ़ में ही आगे रहने की प्लानिंग है। एक बहुत अहम सवाल हो जाता है जी, हम आपके चमत्कारों की बात कर चुके, आपके लक्ष्य की बात कर चुके, आपके सफर की बात कर चुके जी, लेकिन जब तक चीज दिखती नहीं है जब तक बिकती नहीं है जी, अब तो ब्रांडिंग से दूर क्यों रहे रामलला सरकार? मैं आप आगे ब्रांडिंग को लेकर क्या जी? मैं साधना रत रहा, मैं संगीत भी सीखा और संगीत से मैं किया और संगीत के साथ साथ मैं इस साधना को लेके भी आगे बढ़ता रहा। लगभग 7 साल मैं कामाख्या में रहा। हमारे घर वाले तो ये मान चुके थे कि मेरा जीवन पूर्णतः समाप्त हो चुका है। मैं 6 साल घर ही नहीं गया था, 7 साल कामाख्या में रहा। माता कामाख्या के श्री चरणों का रज मुझे मिला और उसी रज को लेके मैं अब विश्व के कल्याण के लिए निकल पड़ा हूँ। तो मेन फ्रेंड पे तो नहीं रहा, लेकिन मुझे बहुत लोग पहले से जानते हैं। लगभग 18-19 साल हो गए मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत ऐसी घटनाएं भी सामने आई जिसको लेके मैं बताया भी, दिखाया भी और अभी भी करता हूँ। हाँ। तो समय मिला, बड़ा मंच मिला। हाँ। तो उसमें अवश्य हाँ। अपना विशेष जो शुरू है रूप है आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले दुनिया के सामने आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। बिल्कुल सत्य है, सत्य है। ये अवसर मिलेगा हाँ। तो मैं अवश्य आऊंगा और समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए रामलला सरकार सदैव आगे रहेंगे। और जब भी सनातन धर्म की चुनौती की बात आएगी या सनातन धर्म की बात आएगी, सनातन धर्म को कुठाराघात पहुंचाने वालों की बात आएगी, तो रामलला सरकार सत्य बात तो यही है कि सबसे आगे दिखाई देंगे आपको जी। राजनीति के बारे में क्या सोचना है, क्योंकि आजकल तो धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक बन गए हैं जी। क्या भविष्य में राजनीति में भी आपका इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगा? ऐसा नहीं कि आप नेता बनकर चुनाव लड़ोगे जी, शायद ऐसा कि आप किसी नेता की मदद करोगे या कुछ और विशेष? राजनीति धर्म का ही अंग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और राजनीति को लेके हम थोड़ा सा गंभीर तो रहते हैं, लेकिन उन नेताओं के लिए हमारा जीवन संकल्पित है जो राष्ट्र के लिए संकल्प लिए हुए हैं। राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो राजनेता हैं उनके साथ मेरा आशीर्वाद सदैव रहता है और सदैव रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि रामलला सरकार के चरणों के रज की कृपा से वो सदैव कमल के भांति खिलते रहेंगे, पूरे विश्व में नाम करते रहेंगे और राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। अब भविष्य में शुरुआत चमत्कार से होती है, अभी चमत्कार बाकी है लेकिन अभी मैं भविष्यवाणी मैं चाहता हूँ कि आप अभी यहाँ पे भविष्यवाणी करने पंजाब केसरी के साथ जी। भविष्यवाणी राजनीति के साथ जुड़ी हुई है जी। अगर आप भ्रष्टता ना समझें तो मैं जानना चाहूंगा कि मध्यप्रदेश का, देश का राजनीतिक भविष्य क्या कहता है, और अगर आप कुछ और भी बताना चाहें किसी नेता विशेष के बारे में तो वो भी बता दीजिए। देखिए भविष्यवाणी तो मैं अभी आपको पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण नहीं करूंगा भविष्यवाणी को लेके, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि श्री रामलला सरकार के शरणों का रज जो ले लिया है वो कभी बैक नहीं जाएगा। अब मैं स्पष्टीकरण नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो सनातन धर्म के लिए जीवन को जी रहा है, संकल्प ले चुका है, उसको कोई बैक नहीं कर सकता। और रामलला सरकार का हृदय से आशीर्वाद है कि वो सदैव आगे बढ़े और उनको फिर से पूरा समाज, पूरा देश, पूरा विश्व प्यार सम्मान दे, यही मैं चाहता भी हूँ। मतलब राम को स्थापित करने वाले फिर से
सत्ता के शीर्ष पर स्थापित होंगे। जी अवश्य, मनसा यही है क्योंकि आवश्यकता भी है, और जो राष्ट्र के लिए जीवन जी रहे हैं, समाज के लिए जीवन जी रहे हैं, और राममय जो जीवन जी रहे हैं, समस्त प्राणी मात्र के रक्षा के लिए जो जीवन जी रहे हैं, ऐसे राजनेताओं को आगे आना चाहिए। भगवान की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, वो आगे आए और उन्नति प्रगति उनकी हो, सदैव प्रसन्नता में जीवन जिए और राष्ट्र के हित के लिए वो बार बार आगे आए, यही मैं चाहता हूँ। जी निश्चित तौर पर राजनीति को लेकर भी रामलला सरकार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि आने वाले समय में उनका झुकाव किस तरफ रहेगा। लगभग समय हो चला है हमारा, हम चाहेंगे कि एक खास संदेश अगर आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहें अपना, तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा। मानव अपने मानवता को धारण करे, हर एक मानव परमात्मा में है, परमात्मा का ही स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि, और परमात्मा ईश्वर उनको एक ही रूप में देखा जा सकता है, उन्हीं का अंश यह जीव है, और जीव का जो लक्ष्य है परम पथ की प्राप्ति के लिए है, भगवान को जानने के लिए। सभी राममय बने, सभी एक दूसरे से स्नेह करें, प्रेम करें, प्यार करें और सबको गले लगाते हुए जीवन जिए। हाँ, उनके लिए ज़रूर मैं विशेष कुछ कहना चाहूँगा, जो भगवान राम की निंदा करते हैं, संत ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, गंगा यमुना सरस्वती गौ माता की निंदा करते हैं, पावन श्री रामचरितमानस को जलाने की बात करते हैं, वो संभल जाएं, अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो उनका पतन होना निश्चित है। और मैं सबके उत्थान के लिए बात सदैव कहता हूँ, उनका भी उत्थान हो मैं यही चाहता हूँ। जो भूल गए हैं, भटक गए हैं, जो सत्य सनातन धर्म से वंचित हो गए हैं, अपने सही रास्ते पर आ जाएं, भगवान उनके ऊपर भी कृपा बनाए रखें। यह घर वापसी की मुहिम भी छेड़ने का इरादा है? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म ही मेन घर है, मेन कुटुंब है, अपने घर से दूर ना जाएं, क्योंकि आने वाला जो समय है वो पूरे विश्व के लिए सनातन धर्म ही एक ऐसा कुटुंब है, घर है, जहाँ के सब कुछ प्राप्त होगा, मिलेगा, और वहीं से परम पथ की प्राप्ति भी होगी, वहीं से ईश्वर की प्राप्ति भी होगी। इसलिए पूरे विश्व के मानव के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हम सब एक हैं, राम की संतान हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ो, अपने सत्य सनातन धर्म को जानो। जय श्री राम लला सरकार। ये वो पर्ची है जो हमको इंटरव्यू शुरू होने से पहले दी थी, जिस जो हम आदमी को जिनको मैं अपने साथ लेकर आया था, उनका कभी इनसे ताल्लुक नहीं था राम लला जी सरकार के साथ में, और सिर्फ उन्होंने उन्हीं से बात नहीं की, बल्कि उनके किसी एक रेंडमली एक दोस्त के बारे में इन्होंने यहाँ पर राजू भसीन के बारे में यहाँ पर लिख दिया था, और वही हम आपको बताने जा रहे हैं। लगभग इंटरव्यू के शुरू होने से पहले जो बताया जा रहा था, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है हम चाहेंगे अपने दर्शकों को एक बार हम दिखाना चाहेंगे। ये राजू भसीन जो नाम, जो उनके दोस्त का नाम था, फ्रेंड का नाम था, जो यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ ही, जगजीत भसीन उनके पिताजी का नाम, इनकी संतान के बारे में जिक्र है कि उनके दो संतान हैं, और इसमें यहाँ पर जो अंक उन्होंने सोचा था, इन्होंने काफी समय पहले लगभग आधा पौन घंटे पहले ही उन्होंने बता दिया था कि इनका प्रिय अंक 6 रहेगा। तो यहाँ पर जिस चमत्कार की हम बात कर रहे थे, जिसको लेकर लगातार आप भी अलग अलग जो महाराज हैं, जो बाबा हैं, जो अलग अलग सरकार हैं, जिस तरह का चमत्कार दिखाती हैं, वह यहाँ पर राम लला जी सरकार ने यहाँ पर दिखाया। और सिर्फ इन लोगों के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसे रैंडम गाय, एक ऐसे शख्स के बारे में बता दिया जो यहाँ पर मौजूद ही नहीं था, उनसे बोला कि फोन लगाओ, फोन लगाया तो पता चल गया कि जिस जो उन्होंने पहले ही पर्ची पर रखा था, लगभग 1.5 घंटे से पहले ही ये पर्चा मेरी जेब में रखा हुआ था, जिसके बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया। निश्चित तौर पर आपने एक ऐसा, शायद इसी को चमत्कार कहते हैं जो आपने किया है जी, और लोग इन पर भरोसा भी करते हैं जी। एक छोटी सी झलक हो गई है, इसे बड़ी झलक भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने काफी समय पहले जी वो बता दिया था, जो हमने बाद में डिसाइड किया, वो निकलकर ये छोटी बात नहीं है जी, आपके सामने लिखा हूँ, आप सबके सामने लिखा हूँ, उनका नाम भी लिखा और अंक लिखा। एक अंक लिखना उस व्यक्ति के बारे में, जो व्यक्ति यहाँ है नहीं, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकता, मैं कहता हूँ कि अगर कैमरे के सामने लिखे, कोरा कागज हो और पेन आप दें, अगर ऐसा कोई कर सकता है या करता है, तो उसको माना जाएगा कि सत्यता भगवान श्री रामलला सरकार के चरणों का रजबो पाया है, माँ भगवती के चरणों की कृपा है। अगर कैमरे के सामने नहीं लिखते हैं और किसी के चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं,
और किसी के बात को कभी भी लिखने में सामर्थ्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने से ही दिखाते हैं, कैमरा को भी नजदीक नहीं आने देते। उनको मैं ये बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि उनके पास कोई सिद्धि है या उनके पास कोई ऐसी शक्ति है। अगर शक्ति है, सिद्धि है, समाज को, समाज समाज के सामने आए, समाज को प्रमाण दें, और समाज को प्रमाण जब तक नहीं देंगे तो सनातन धर्म मजबूत नहीं होगा। सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए हर एक प्रमाण को स्वीकारना होगा और सहजता से, सरलता से, लघुता से, मधुरता से जवाब देना होगा। अभी आप प्रमाण की आप बात कर रही हैं, खुद स्वीकार कर रही हैं, तो मेरी शायद एक जिज्ञासा को आप भ्रष्टता नहीं समझेंगे। मैं कुछ साथियों को अपने साथ यहाँ पर लेके आया हूँ। हमको लाखों लोग देखते हैं तो अलग अलग तरह के विचार, जिज्ञासाएं, कुछ सवाल खड़े करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अब जब दरबार लगा है तो एक छोटी सी झलक और हो। देखिए अभी अभी दर्शकों को साफ कर दूं कि यहाँ पर सिर्फ अभी आपके सामने, अभी आपके सामने हम पर्चा लिख के दिखाए और बहुत सारे मैटर को लेके, बहुत सारे शब्दों को लेके मैं रखा, बताया भी, लेकिन आज का यही तक रहेगा। और अगर वो परिचित होते या हमसे कभी मिले होते या उनके बारे में चर्चा चली होती तो मैटर अलग हो जाता। आज हम आपको इतना ही समय दे पाएंगे। राम जी के चरणों के कृपा रही तो हजारों लाखों लोगों को हम बताएंगे। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं और कहना चाहूंगा, पूरे भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए मुझे अवसर मिला अगर प्रमाण के लिए, तो रामलला सरकार पूरे विश्व को प्रमाण देंगे, कैमरा के सामने लिखेंगे, मीडिया के सामने लिखेंगे, और किंचित मात्र, लेश मात्र भी ये नहीं कहेंगे कि हम उस जगह जाके नहीं करेंगे। हमको जिस जगह निमंत्रण दिया जाएगा हम उस जगह जाके लिखेंगे। सारी चुनौतियों को स्वीकार करोगे जो अलग अलग जगह देती है? सत्य बात है, 1000% नहीं, 1,00,000%, अभी तो 100% ही होता है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं अगर सच्चाई है, सत्य है, तो सत्य को आंच नहीं आ सकती है, ये ब्रह्म सत्य है। और हम पुनः एक बार कह रहे हैं, जो व्यक्ति कभी भी किसी जगह में जाके किसी के बारे में लिखने की सामर्थ्य रखता है वो सच्चा साधक है, वही समाज का कल्याण कर सकता है, वही देश का कल्याण कर सकता है, वही पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम इंटरव्यू लेने आए थे, हमेशा राजनीतिक हस्तियों को दिखाती हैं, सामाजिक हस्तियों को दिखाती हैं, लेकिन आज हमने आपके सामने एक नया मेहमान को प्रस्तुत किया है। जाहिर सी जैसा लग रहा है, अभी हमने उनकी झलक देखी है, शायद रामलला सरकार आने वाले समय में कई जगह आपको और देखने को मिलेंगे, शायद इनकी ख्याति इतनी बढ़ जाएगी कि इनके सामने संग बैठने के लिए, इंटरव्यू के लिए लाइन लगा करेंगे। लेकिन सबसे पहली झलक पंजाब केसरी आपको इनकी दिखा रहा है। बहुत कुछ हम बता चुके हैं इनके बारे में, शुरुआत कहाँ से की थी, शिक्षा कहाँ, दीक्षा कहाँ से ली थी, और अब किस तरीके से इनको अपना काम करना है, इनकी मंजिल क्या है, हिंदुस्तान के अलावा कई देशों में इनका लगातार सनातन के प्रसार के लिए इन्होंने काम शुरू कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ इन्होंने शुरुआत की है, हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाने की दिशा में ये काम कर रही हैं, उस दिशा में ये आगे बढ़ेंगे। साथ ही इन्होंने खास तौर पर यहाँ पर चुनौती दे रहे हैं, उन चुनौती देने वालों को, जो अक्सर जो बाकी के जो धर्मगुरु होते हैं उनके सामने चुनौतियां पेश करती हैं, उनको प्रमाण साबित करने के यहाँ पर दावा किया जाता है उनके सामने, तो यहाँ पर वो ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि आओ मुझको चुनौती दो, मैं उन चुनौतियों का सामना करूंगा, खुद को प्रमाणित करूंगा, खुद की शक्तियों को प्रमाणित करूंगा। तो पंजाब केसरी की इस खास पेशकश में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।